आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरें, जिसमें हम बात करेंगे आज की 4 बड़ी खबरों पे। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। लखीमपुर कांड में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय टेनी के बेटे आशीष मिश्रा पर हत्या का केस दर्ज हो चुका है। विपक्ष लगातार टेनी के इस्तीफे की मांग कर रहा है। वहीं आरोपों के घेरे में आए टेनी अब अभद्रता पर उतर आए हैं। लखीमपुर खीरी में जब उनसे मंत्री जी से पूछा गया कि एसआईटी जांच को लेकर सवाल पूछे गए, तो वो भड़क गए, अभद्रता करने लगे और रिपोर्टरों को डराने लगे, धमकाने की कोशिश की। साथ ही वहां मौजूद पत्रकार का मोबाइल भी बंद करवाने की कोशिश करने लगे। तस्वीरें देख सकते हैं आप, किस तरह से डराते धमकाते नजर आए हैं। पत्रकारों पर अभद्र टिप्पणी भी की है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, किस तरह से वो फोन बंद करवाते हुए नजर आ रहे हैं और डरा धमका रहे हैं। लगातार विपक्ष अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। विपक्ष लगातार टेनी के इस्तीफे की मांग कर रहा है। आरोपों के घेरे में है टेनी, अब अभद्रता पर उतर आए हैं। लखीमपुर खीरी में जब से उनके बेटे का जो कार वाला हादसा हुआ था, जो बेटे ने कार चढ़ा दी थी, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसके बाद से जांच चल रही है, सीबीआई जांच भी चल रही है, और विपक्ष लगातार मंत्री जी के इस्तीफे की मांग भी कर रहा है। और जब आज उनसे पत्रकारों ने बातचीत की, तो देख सकते हैं आप तस्वीरें, किस तरह से मोबाइल छीनने की कोशिश की है और डराते धमकाते भी नजर आए हैं। तो ये अब ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है लोकतंत्र में, जहां पे मीडिया को भी रोका जा रहा है, पत्रकारों से अभद्रता की जा रही है और धक्का मुक्की की जा रही है, कॉलर पकड़ लिया जा रहा है, मोबाइल बंद करवाने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें देख सकते हैं आप। लखीमपुर कांड में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा पर हत्या का केस पहले से ही दर्ज है, जिसको लेकर लगातार सवालों के कटघरे में उनके पिता भी आ रहे हैं। तो विपक्ष लगातार टेनी के इस्तीफे की मांग कर रहा है। आरोपों के घेरे में आए टेनी अब अभद्रता पर उतर आए हैं, अभद्रता कर रहे हैं, गाली गलौज हो रही है, धक्का मुक्की हो रही है, और ये तस्वीरें बता रही है कि अब पत्रकार को रोका जा रहा है सवाल पूछने से भी। गलती हो भले ही नेताजी की, लेकिन उनसे सवाल कोई नहीं पूछ सकता है। तस्वीरें ये बता रही है, हम नहीं बोल रहे हैं, तस्वीरें बोल रही हैं। जिस तरह से ये घटना सामने आई है, वो बता रही है कि सत्ता के गुरूर में कितना चूर है नेताजी। तो सवाल पूछने पर पत्रकार से अभद्रता की, पत्रकार पर भड़क पड़े नेताजी। तो टेनी अब अभद्रता पर उतर आए हैं। लखीमपुर खीरी में जब उनसे मंत्री जी से एसआईटी जांच को लेकर सवाल किया गया, तो वो भड़क गए, अभद्रता करने लगे। तस्वीरें देख सकते हैं आप, किस तरह से धक्का मुक्की करते हुए नजर आए, फोन छीनते हुए नजर आए, धमकाने की कोशिश की, साथ ही वहां मौजूद पत्रकार का मोबाइल भी बंद करवाने की कोशिश की। लगातार विपक्ष टेनी से इस्तीफे की मांग कर रहा है, उनकी बर्खास्तगी की मांग कर रहा है सरकार से, लेकिन अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। वहीं अब मीडिया पर भी हावी होते नजर आ रहे हैं टेनी। लखीमपुर कांड पर ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, कि उसके बाद से काफी विवाद चला लखीमपुर कांड को लेकर। हालांकि सरकार ने मुआवजे की और सरकारी नौकरी देने की मांग को भी पूरा किया, उसके बाद भी अभी जांच चल रही है। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि बर्खास्तगी की जाए टेनी की, लेकिन अभी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। और अब जब सवाल पूछा गया, तो नेताजी भड़क गए। और इसी खबर पर मैं सबसे ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता नितिन कुमार जुड़ चुके हैं। नितिन, पत्रकारों पर इस तरह से अभद्रता करना, टिप्पणियां करना, क्या यह सही है? देखिए शिखा, अजय मिश्रा टेनी पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अब अपनी बात में ही फंस गए हैं। आज एक ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने के लिए वो गए हुए थे, जहां पर पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछ लिया कि एसआईटी ने जो रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट में बहुत कुछ निकल कर सामने आया है। दरअसल इस एसआईटी की रिपोर्ट के बारे में भी जान लेना बहुत जरूरी है शिखा, क्योंकि कल ये एसआईटी ने रिपोर्ट दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पूरे मामले में हस्तक्षेप किया था, तो उसके बाद एसआईटी गठित की गई थी, और एसआईटी ने अपनी जो रिपोर्ट पेश की है, जिसके प्रमुख जो विवेचक अधिकारी है विद्याराम दिवाकर,
उनकी रिपोर्ट में साफ तौर पर यह साबित हुआ है कि ये जो पूरी घटना हुई है ये दरअसल एक्सीडेंटल नहीं है, क्योंकि इसके पहले जो धाराएं लगाई गई थी उन धाराओं में एक्सीडेंटल या फिर अचानक से दुर्घटना हो गई, जानबूझकर नहीं किया गया। और ये तक बोला गया था जो मिश्रा की तरफ से कि जब ये घटना हुई है तो उस दौरान मेरा बेटा घटना स्थल के आसपास भी नहीं था। लेकिन एसआईटी ने जो साक्ष्य बटोरे थे, जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स बटोरी थी, जो सीसीटीवी फुटेजेस बटोरे थे, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के जो साक्ष्य बटोरे थे, उस साक्ष्यों के अनुसार एसआईटी ने जो अपनी रिपोर्ट पेश की है उस रिपोर्ट में साफ तौर पर यह बताया गया है कि अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा मौके पर मौजूद था और जो दो गाड़ियां जिन्होंने घटना को अंजाम दिया है वो कोई एक्सीडेंट से नहीं हुई है, वो जानबूझकर इस घटना को अंजाम दिया गया। और उसके बाद एसआईटी ने जो अपनी जो धाराएं जो लगाई गई थी पहले से पुलिस की तरफ से, जो कि 279, 338 और 304A थी, इसको बदलते हुए 307 हत्या की कोशिश, 326, 302 हत्या, 34, 120 बी हत्या की साजिश करना, 147, 148, 149, 3/25, 3/30 ये गंभीर धाराएं जो है वो लगाई है, जो कि एसआईटी में प्रूफ हो गया है कि अजय मिश्रा का बेटा मौके पर मौजूद था, उसने जानबूझकर इस घटना को अंजाम दिया, ये कोई एक्सीडेंट का केस नहीं है, सोची समझी साजिश के तहत लोगों की हत्या की गई है। कुछ ऐसे कारण उसमें ये भी बताए गए हैं कि ऐसा भी प्रयास किया गया है कि लोगों को जान से मारने की कोशिश की गई और जान से मारा भी गया। तो एसआईटी की रिपोर्ट जब आई है तो उसके बाद आज पत्रकारों ने अजय मिश्रा टेनी से सवाल पूछ लिया, क्योंकि अजय मिश्रा टेनी ने कहा था कि अगर एसआईटी की रिपोर्ट में कुछ भी निकलकर सामने आता और मेरा बेटा अगर इसमें दोषी करार दिया जाता है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो आज जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप इस्तीफा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, तो अजय मिश्रा टेनी उसमें नाराज हो गए और अभद्रता करने लगे। जी, आपको मैं यहाँ रोकना चाहूंगी क्योंकि हमारे साथ कांग्रेस के नेता भी जुड़ चुके हैं, तो हम उनसे भी जानेंगे कि उनका क्या कहना है। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी। तो जिस तरह से ये मामला सामने आया, विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठाता रहा है और इस पे एक अहम भूमिका भी रही है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि अगर इस तरह से जांच ना हो पाती, अगर विपक्ष इस मुद्दे को ना उठाता, लगातार विपक्ष का ये कहना था कि अगर वो इस मुद्दे को ना उठाते तो कहीं ना कहीं आरोपी बच जाता, लेकिन सरकार ने इस पे जांच भी करी और अपराधी को जेल की सलाखों के पीछे भेजा भी है, लेकिन अभी भी नेताजी को उनके पद से मुक्त नहीं किया गया, जिसकी मांग विपक्ष उठा रहा है। अब मीडिया की आवाज दबाने की कोशिश रहे नेताजी, तो इस पे हम जानेंगे कि विपक्ष की क्या राय है। और हमारे साथ इसी खबर पे जुड़ चुके हैं प्रमोद तिवारी, कांग्रेस नेता हैं। तो प्रमोद जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से नेताजी का ये वीडियो सामने आया, क्या कहेंगे इस पे? इस देश में लोकतंत्र है जी, और पत्रकारिता मीडिया चौथा स्तंभ है जिस पर लोकतंत्र की इमारत खड़ी हुई है जी। यदि कोई सवाल पूछा जा रहा है तो मंत्री के रूप में या जनप्रतिनिधि के रूप में आपका दायित्व है कि उस पर आप अपनी स्थिति स्पष्ट करें और जवाब दें। बिल्कुल, इस सवाल का सीधा सा जवाब दिया जा सकता था जी। लेकिन जिस तरह हिंसा की गई पत्रकार के साथ या पत्रकारों के समूह के साथ, वो निंदनीय है। आज भारतीय जनता पार्टी कार्ड में डूबी हुई एक ऐसी सरकार चला रही है इसके लिए लोकतंत्र का कोई मायने नहीं रह गया है जी। जब प्रमोद जी, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था पत्रकारों के साथ अभद्रता नहीं होनी चाहिए, विपक्ष भी लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है कि मंत्री जी की बर्खास्तगी होनी चाहिए, लेकिन इस पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो अब जब ये तस्वीरें साफ हो गई है तो क्या करना चाहिए आखिर सरकार को? सरकार को तत्काल इनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए। इसका इसकी जिम्मेदारी श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी की है कि वो इनसे इस्तीफा ले लें। अगर इस्तीफा ना दे तो राष्ट्रपति को बर्खास्त करने की सिफारिश करें। ऐसा दल जो मानसिक रूप से इतना असंतुलित हो, मीडिया के साथ इस तरह दुर्व्यवहार करे, उसे इतने संवेदनशील मंत्रालय पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इसे तत्काल मंत्रिपरिषद से जाना चाहिए, क्योंकि देखिए मैं एक चीज और आपको याद दिला दूं कि ये हमेशा से परंपरा रही है कि FIR लिखाने पर बहुत लोग नैतिक आधार पर इस्तीफा देते हैं, बहुत से लोग नाम आने के बाद इस्तीफा देते हैं। लेकिन ये तो सर्वमान रहा है कि जब कोर्ट में जांच एजेंसी चार्जशीट फाइल कर दे, यहाँ चार्जशीट के रूप में एक जो प्रपत्र दिया गया है, जो एक रिपोर्ट सौंपी गई है, उसमें साफ कहा गया है कि ये हत्या के षड्यंत्र में शामिल थे और इनसे एक्सीडेंट की धारा हटाकर
अटेम्प्ट टू मर्डर और मर्डर की दफाई लिखी जानी चाहिए। इसके बाद तो आज तक भारतवर्ष में कभी भी किसी भी मंत्री ने ऐसा नहीं हुआ कि त्यागपत्र नहीं दिया है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ उसमें विलम्ब क्यों है, क्योंकि अब सिर्फ FIR की स्टेज नहीं है, आरोप प्रत्यारोप की स्टेज नहीं है, बल्कि इन्वेस्टिगेशन के बाद एक फाइंडिंग है जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने कोर्ट में सबमिट कर दी है, कोर्ट में और कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। चूर हो सकता है, अगर आपके पास कुछ अधिकार है तो वो जनता के हित में होने चाहिए। अगर आपके परिवार का कोई व्यक्ति किसी की हत्या करता है तो उसे बराबर का न्याय मिलना चाहिए व्यक्ति को और इंसाफ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दबाई जा रही है आवाज, सवाल किया जा रहा है जांच को लेकर, तो आवाज दबा दी जा रही है। सत्ता का जो गुरूर है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, सत्ता का जो अहंकार है, मैं आप लोगों को एक चीज और याद दिला दूं, जब ये घटना अक्टूबर में हुई थी तो उसके एक दिन बाद इन्हीं अजय मिश्रा जी गृह राज्य मंत्री भारत सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस छपी थी चैनल पर, मैंने भी देखा था कि मेरे पास निश्चित सबूत है, इस पे गौर करिएगा, मेरे पास निश्चित सबूत है कि घटनास्थल पर उनका बेटा नहीं था और उन्होंने चुनौती दी थी कि उनका बेटा घटनास्थल पर नहीं था और वो कहीं और था। अब तो जो रिपोर्ट आई है जो सबमिट की गई है कोर्ट में, कोर्ट ने जिसे एक्सेप्ट कर लिया है उसके अनुसार वो खड़ियंत्र में भी शामिल था और हत्या में भी और हत्या के प्रयास में भी। तो अब तुम मंत्री जी झूठे साबित हो गए ना, मंत्री जी गलत तैयारी कर रहे थे, गुमराह कर रहे थे और सच्चाई को दबाने की कोशिश कर रहे थे, तो बेटा तो गुनाहगार उस बात का है और अभियुक्त को या आरोपी को बचाने के लिए गृह राज्य मंत्री जी सीधे सीधे दोषी हो गए हैं। तब तो इनके ऊपर भी मुकदमा कायम होना चाहिए और मुकदमा कायम करने के बाद साक्ष्य मिटाने का, जहां तक मैं समझता हूँ IPC की धारा 301 का मुकदमा कायम होना चाहिए इनके खिलाफ और इनका इस्तीफा लेना चाहिए। प्रमोद जी, तो टेनी जी को भी मान लेना चाहिए कि अगर उनका बेटा गुनाहगार है तो उसे सजा मिलनी चाहिए और टेनी जी को ये अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि जो गुनाहगार है उसको सजा मिले और जो जो है पीड़ित है उनको न्याय मिले, लेकिन इस तरह का व्यवहार करना ये कहीं ना कहीं पीड़ितों को भी दुख पहुंचाएगा। पीड़ितों के दुख की बात अलग है, जो मैं कह रहा हूँ इसे समझने की कोशिश करिए जी। पर फिर से इसे स्पष्ट कर दूं कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि वो इस घटना में शामिल नहीं था, घटनास्थल पर नहीं था जी। अब वीडियो आ गए हैं और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के बाद SIT ने कोर्ट में सबमिट कर दिया, कोर्ट ने स्पष्ट कर लिया, तो ये तो सीधे सीधे टेनी जी पर, गृह राज्य मंत्री जी पर आरोप साबित हो गया कि वो साक्ष्य मिटा रहे थे, साक्ष्य छिपा रहे थे, साक्ष्य से अलग जा रहे थे। इस बात को जरा समझने की कोशिश कीजिए, अब तो दोषी बेटा ही नहीं रहा, बाप भी IPC की धारा 201 का दोषी हो गया है जी। बिल्कुल, अपराधी का साथ देने वाला भी अपराधी कहलाता है और इसीलिए विपक्ष साथ देने वाला नहीं, साथ छिपाने वाला जी। बिल्कुल, गुमराह करने वाला जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पर हमारे साथ कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी जी जुड़े थे। तो इस बात सीधी तौर पर सामने आई है कि बचाना चाह रहे थे कहीं ना कहीं अजय मिश्रा टेनी अपने बेटे को, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं नितिन। नितिन, जिस तरह से अभी प्रमोद तिवारी ने कहा कि साक्ष्य छुपाने की कोशिश कर रहे थे अजय मिश्रा टेनी अपने बेटे को बचाने के लिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर, और ये शुरुआत से ही देखा गया, जब ये घटना हुई तो उस घटना के बाद पुलिस ने भी काफी लापरवाही इस पूरे मामले में की थी। अजय मिश्रा काफी दिनों तक बाहर भागा हुआ दिखाई दे रहा था, उसके बाद पुलिस ने, जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछे उत्तर प्रदेश सरकार से, तो आनंद फानंद में उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से अजय मिश्रा टेनी के घर पर समन चिपकाया गया और उसके बाद भी आशीष मिश्रा पेश नहीं हुआ। उसके अगले दिन फिर समन पेश किया गया, चिपकाया गया, तो उसके बाद आशीष मिश्रा जो है वो पेश होने आया था और उस दौरान भी काफी कुछ चीजों को घुला मिला के बताने की कोशिश की गई थी अजय मिश्रा की तरफ से। जब उसका बयान नोट किया गया था 161 का और 164 का, तो उसमें उसने काफी चीजें बताई कि मैं मौके पर नहीं था, मैं ये कर रहा था, मैं वो कर रहा था, मैं दंगल के मंच पर था, ये सारी चीजें उसने बताने की कोशिश की। लेकिन उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और कई सारे जो वीडियो निकलकर सामने आए, उस वीडियो में साफ तौर पर यह दिख गया कि अजय मिश्रा टेनी का जो बेटा है आशीष मिश्रा, वो मौके पर मौजूद था और थार जीप में ही मौजूद था, जिस थार जीप से किसानों को रौंदा गया था, किसानों पर गाड़ियां चढ़ाई की गई थी, उस थार जीप को चलाने वाला अगर कोई व्यक्ति था तो वो अजय मिश्रा टेनी का बेटा आशीष मिश्रा ही था। ये भी बात प्रूफ हो गई थी, क्योंकि जो कपड़े पहने हुए थे और उस कपड़े से बात प्रूफ हुई थी। दूसरी चीज,
दूसरी चीज, जिस ड्राइवर की मृत्यु की बात कही जा रही कि जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था उसकी मृत्यु हो गई है, और ऐसा कि आशीष मिश्रा और अजय मिश्रा की तरफ से बताया गया था, लेकिन जब पोस्टमार्टम हुआ तो उसके कपड़ों से पहचाना गया कि जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा था उसने दरअसल सफेद रंग का कपड़ा पहना हुआ था, जो कि आशीष मिश्रा था, और जिस व्यक्ति का पोस्टमार्टम हुआ, जो ड्राइवर का पोस्टमार्टम हुआ, उसने पीली धारी शर्ट पहनी हुई थी। तो इससे ये बात साबित हो गई कि थार चलाने वाला ड्राइवर नहीं था, थार चलाने वाला आशीष मिश्रा था। तो जब ये सारी बातों को संकलन किया गया, एसआईटी ने इन सबको इकट्ठा किया, तो उसके बाद ये साफ तौर पर प्रूफ हो गया है कि ये पूरी जो घटना है सोची समझी साजिश थी, तो अब सबूत सामने आ गए हैं जिसको छुपाने की कोशिश अभी भी अजय मिश्रा टेनी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता नितिन जुड़े थे। तो सीधे तौर पर अब कई सवाल उठ रहे हैं मीडिया पर, जिस तरह से अभद्रता की गई मीडिया के साथ और धक्का मुक्की करी गई है और मीडिया का जो आवाज है उसको दबाने की जो कोशिश करी गई है उसको लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं कि कहीं ना कहीं अभी भी वो अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बेटे के खिलाफ कुछ सुन नहीं सकते हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। काशी में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन के बाद अब बीजेपी के नेताओं का अगला संगम अयोध्या में हुआ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बीजेपी शासित राज्यों के 11 मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम ने रामलला के दर्शन किए। इनमें 8 राज्यों के मुख्यमंत्री अपने परिवार के साथ पहुंचे, जबकि राम मंदिर पर फैसले के बाद जेपी नड्डा और सभी मुख्यमंत्री पहली बार अयोध्या पहुंचे। तो भाजपा शासित राज्यों के सीएम पहुंचे अयोध्या और सभी ने रामलला के दर्शन किए, हनुमानगढ़ी के दर्शन किए, और साथ ही दर्शन पूजन करने के साथ ही ये पहली बार था जब फैसले के बाद सभी बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंचे थे, वो भी एक साथ। काशी में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन के बाद अब बीजेपी के नेताओं का अलग ही संगम देखने को मिला अयोध्या में, जहां काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के समय सभी बीजेपी के नेता मुख्यमंत्री पहुंचे थे, तो वहीं अब अयोध्या भी पहुंचे हैं। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव, जिस तरह से बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम सब पहले काशी पहुंचे अब अयोध्या पहुंचे, क्या इससे उदाहरण जा रहा है? देखिए, निश्चित तौर पे जो जिस तरह से अभी हाल में ही रामलला मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है, उसके पहले जिस तरह से मोदी का जो प्रधानमंत्री मोदी का जो विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण जो किया गया था, 2 दिवसीय दौरा था उनका वाराणसी का, क्योंकि उनका वो संसदीय क्षेत्र भी है प्रधानमंत्री मोदी का, माना जाता था कि वहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम होगा, वैसा हुआ भी और लाखों दीपक के साथ वो कार्यक्रम भी किया गया, साथ ही साथ गुड गवर्नेंस और आगामी चुनाव को देखते रणनीति बनाने के चलते, क्योंकि अगर केंद्र सरकार के जो भी जो भाजपा के जो शासित प्रदेश हैं वहाँ पर जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है उन सारे मुख्यमंत्रियों को वहाँ बुलाया गया था, लगभग 11 मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम जो बिहार के थे और एक अरुणाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम वहाँ पर पहुंचे थे, लगभग 14 लोग वहाँ पर कार्यक्रम में शामिल हुए थे, उनके साथ साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम राज्यपाल भी कार्यक्रम में शामिल हुई थी। उसके बाद कहा जा रहा था कि गुड गवर्नेंस को लेकर एक बड़ी मीटिंग थी, हालांकि मीटिंग का जो ब्यौरा है वो सार्वजनिक नहीं किया गया था। उसके बाद रणनीति और तमाम ऐसी बातें, सारे राज्यों के मुख्यमंत्री बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री एकजुट हो रहे हैं, तो कौन सी बड़ी रणनीति बना रहे हैं? निश्चित रूप में बताया कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का शुरू से एजेंडा रहा है, पहले भी उन्होंने कहा था कि आध्यात्मिक रूप से विशेष ध्यान देते हैं, जिस तरह से बनारस में बड़ा कार्यक्रम हुआ उसके बाद चूंकि वो बनारस भी आए हुए थे तो एक एजेंडे के तहत ही उनको सारे लोग अयोध्या आए हैं, अयोध्या में उन्होंने जो हर की जो आपकी सरयू है उसमें डुबकी भी लगाई है, और साथ ही साथ चूंकि सुबह का जो कार्यक्रम था उसमें उन्होंने दर्शन नहीं कर पाए थे, पर जो शाम को 1 बजे से लेकर 6 बजे तक जो दोबारा कार्यक्रम जो टाइम होता है जो आपके अस्थायी रूप से जो रामलला वहाँ विराजमान है उनके दर्शन का कार्यक्रम में वहां पर दर्शन के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। इसके अलावा वहां पर जो हनुमानगढ़ी है वहां भी वो जाएंगे, उसके साथ साथ माना जा रहा है कि बैठक वहां पर भी होगी जिसमें जो जेपी नड्डा है वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद है, तो उनके द्वारा ही बड़ी बैठक ली जा सकती है अयोध्या में भी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़े थे। तो भाजपा के मुख्यमंत्री एकजुट हो रहे हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं, खासतौर से धार्मिक स्थलों पर जा रहे हैं और आगामी चुनाव को लेकर रणनीति बना रहे हैं। कहीं ना कहीं धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा नजर आ रहा है, जिस तरह से चुनाव नजदीक आ रहा है और सभी धार्मिक स्थलों के चक्कर लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं धर्म के इर्द गिर्द जुड़ा रहेगा ये चुनाव भी।
2022 आगामी चुनावों से पहले सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में जौनपुर में विजय रथ यात्रा के दूसरे दिन अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। मीडिया से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के दावे झूठे हैं, विकास नहीं हुआ है। 11 मुख्यमंत्रियों के उत्तर प्रदेश में पहुंचने पर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी को जितना हार का डर सताएगा उस तरह का ही जमावड़ा देखने को मिलेगा। केंद्र गृह मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे द्वारा किसानों के ऊपर जीप चलाने के मामले में सही जांच करने की मांग भी की गई है अखिलेश द्वारा। तो अखिलेश की विजय रथ यात्रा देखने को मिली और इस खबर पर भी हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता गौरव जुड़े हुए हैं। गौरव, जिस तरह से उन्होंने बयान दिया, अखिलेश यादव ने क्या कहेंगे? देखिए, समाजवादी विजय यात्रा का 7वां चरण है और अखिलेश यादव जौनपुर पहुंचे हैं, जहां पर जौनपुर की जो 9 विधानसभा सीटें हैं वहां पर उनकी जनसभाएं की गई थी। 2 जनसभा उन्होंने कल आयोजित की थी और आज 4 जनसभाओं को उन्होंने संबोधित किया है और वह कर भी रहे हैं। जहां एक अभी बाकी है, मैं आपको बता दूं कि जौनपुर वो जगह है जहां से पूर्वांचल के कई जो जिले हैं, बलिया, गाजीपुर और बस्ती, तमाम ऐसे जिले हैं जो भी नज़दीकी जिले हैं और उन वहाँ के जो मतदाता उनको साधने के अलावा, जिस तरह से जौनपुर में आपको मैं अगर बता दूं कि 2017 के चुनाव की अगर बताऊं आपको, तो वहां पर 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी, 3 समाजवादी पार्टी के पास थी, 1 बसपा और 1 पे अपना दल विजय हुआ था। तो माना जा रहा था कि जो जौनपुर की सीटें हैं उनको भारतीय सपा के जो केवल 3 सीटें आई थी उनको पूरे अपने पाले में करने का प्रयास अखिलेश द्वारा किया जा रहा है। वहीं उनके बयानबाजी की बात करें तो वो इसके पहले भी किसान आंदोलन पर लगातार बयानबाजी उनकी रही है। उन्होंने कहा है किसान आंदोलन के द्वारा किसानों को परेशान किया जा रहा है और किसी कानून केवल केवल उन पर थोपे गए हैं। हालांकि किसी कानून के वापस लौटने के बाद भी वो हमलावर है और जो किसानों की जो मुख्य मांगे थी वो मांगे ये थी कि अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त किया जाए। उसी मांग को पुनरावृत्ति करते हुए अखिलेश यादव ने फिर यह मांग की है कि अजय मिश्रा जो टेनी उनको बर्खास्त किया जाए, क्योंकि उनका जो लड़का है जो आशीष मिश्रा है वो इस मामले में टुकड़िया कांड पूरी तरह से संलिप्त था, उसके द्वारा ही किसानों पर गाड़ी चलाई गई थी। इसके अलावा वो बीजेपी के ऊपर लगातार हमलावर है। उन्होंने कहा है कि भाजपा प्रदेश में डबल इंजन सरकार है जो भी किसी भी जनता का भला नहीं कर पा रही है। महंगाई चरम पर, बेरोजगारी में भी सरकार द्वारा कोई काम नहीं किया गया है, केवल आत्मार्थ के सहारे अपनी राजनीति चमकाने में भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इसके ऊपर हमारे साथ संवाददाता गौरव जुड़े थे। रुक करेंगे अगली खबर की तरफ। फतेहपुर के खागा कोतवाली में नशे में धुत पिता ने सोती हुई अपनी 9 वर्षीय बच्ची के साथ रेप करने लगा, जिसकी चीख पुकार सुनकर उसके परिजन मौके पर पहुंचे और खून से लथपथ बच्ची को देखकर पुलिस को सूचना दी गई। जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची के परिजनों की शिकायत पर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया और बच्ची को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। तो फतेहपुर से ये शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है, जहां 9 वर्षीय बच्ची के साथ नशे में धुत पिता ने ही दुष्कर्म किया। जबरदस्ती किया, तभी गांव वालों ने देखा, तभी सब नंबर पर फोन लगाकर पुलिस को कॉल करवा दिया। रात में सोते समय 10 बजे की घटना है। पुलिस ने आकर के देखा तो लड़की ने तो बयान लिया, तो लड़की ने खुद बताया कि मेरा बाप जबरदस्ती मेरे साथ गलत काम। खागा जनपद फतेहपुर में एक पिता ने अपनी पुत्री के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया है। लड़की को मेडिकल परीक्षण हेतु भेज दिया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के द्वारा भी संबंध कार्रवाई। ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता अमरदीप जुड़ चुके हैं फतेहपुर से। अमरदीप जी, ये खबर सामने आई है शर्मसार करने वाली, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? किस आधार पर कहा जा रहा है कि पिता ने ही अपनी पुत्री के साथ दुष्कर्म किया है? जहाँ पर अगर ये बात कही जाए कि क्या हकीकत है कि क्या पिता ने ही अपनी पुत्री के साथ ऐसा घिनौना कृत्य किया है, तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मौके पर जो है पिता को ग्रामीणों ने और पिता के जो है मतलब बड़े भाई ने उसको मौके पर पकड़ा है, जहां पर कि रक्त रंजित उस बेटी बेटी भी मिली हुई है
और वो बेटी खुद अपने को बता रही कि मेरे पिता ने मेरे साथ ऐसा घिनौना कार्य किया हुआ है। जी जी अमरदीप, क्या मेडिकल करवा लिया गया बच्ची का? जी हाँ, मेडिकल के लिए ऐसा है कि मेडिकल के लिए बच्ची को भेजा गया है, पर मेडिकल रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आ पाई है। जी जी, तो अब आगे किस आधार पर कार्रवाई की जाएगी, किन मामलों के तहत, किन धाराओं के तहत पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर ये किस धाराओं पे जो है ये मुकदमे दर्ज किए जाएंगे, तो पहली बात तो नाबालिग बच्ची है और उस पर जो है एक वैसी दरिंदा, खुद उसका पिता जिसने खुद बच्ची को जन्म दिया, उसने ऐसा घिनौना कृत्य किया है, तो जरूर ऐसे लोगों के खिलाफ समाज के जो ठेकेदार है या जो ग्रामीण है वो भी चीख चीख कर कह रहे हैं कि ऐसे बाप को तो फांसी होनी चाहिए। बिल्कुल जी जी, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अमरदीप जुड़े थे फतेहपुर से। तो शर्मसार करने वाली खबर ये फतेहपुर से सामने आई है, जहां नशे की हालत में धुत पिता ने ही अपनी सोती हुई 9 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। चार बजे की चार बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।